पहले इधर नहीं हुआ था ऐसे कभी, आज पहली बार हुआ। मिलिटेंसी होती थी पहले भी, लेकिन ये हाल नहीं हुआ था पहले कभी। हालात डर लगता है अब, लगभग 10-12 साल हो गए थे, बड़े आराम से हम अपनी जिंदगी निकाल रहे थे, लेकिन अब तो बहुत गलत लग रहा है क्योंकि फिर से ये माहौल खराब हो गया है। घरों की ये निशान बीती रात हुई मुठभेड़ की दास्तां खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बीती रात सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस हमले में 2 सैनिक घायल हो गए। फिलहाल के लिए ये एनकाउंटर समाप्त है, लेकिन वहां रह रहे लोगों में एक अजीब सा खौफ है। जहां वे सालों से रह रहे हैं वो जगह अब रहने लायक नहीं बची है। उन्हें डर है कि हमला कभी भी हो सकता है। दीवारों के ये निशान इस गांव को उस दिन की याद तब तक दिलाते रहेंगे जब तक कि वे इन घावों को भर नहीं देते। गांव में रह रहे ऐसे ही एक शख्स ने पूरी घटना को हमारे सामने रखने की कोशिश की है। ये हमारा गांव दछवाटा है, ये साथ में लोअर हाई स्कूल के साथ में हमारा घर है। तो सर यहाँ पे शाम को 8-9 बजे के करीब आर्मी आई थी, तो उसके बाद हम भी गए उधर आर्मी वालों के साथ बातचीत की। तो जब वो उधर से गए तो फिर बोलने लगे हमें जाओ सो जाओ अब, तो हम आके सो गए। तो उसके बाद 2 बजे फायरिंग शुरू हो गई, तो हम अंदर सोए हुए थे, हमें कोई पता नहीं था। उस वक्त बाहर निकलने भी नहीं देते थे और निकलना भी नहीं चाहिए। तो सुबह वैसे ही 5 बजे जब रोशनी हुई तो हम निकले बाहर पे। उस वक्त फायरिंग बंद हो गई थी सारी। तो जब बाहर निकले हम तो देखा 2 आर्मी जवान जख्मी थे, एक खुद चल के गया तो दूसरे को स्ट्रेचर पे उठा के रोड तक ले आ गया। तो उसके बाद का कोई पता नहीं है, कोर्सेज वगैरह यहाँ पे अभी है, बाकी मिलिटेंट जो कुछ था तो वो भाग गए थे। रात को ये 2 बजे शुरू हुआ था तो 5 बजे तक रही फायरिंग। ग्रेनेड के अंदर तो हमें 1-2 आवाजें सुनी, लेकिन अब वो पता नहीं है उनका था या आर्मी वालों का था क्या था। यहाँ पे उस वक्त हमने कुछ नहीं देखा, अगर रात को देखना क्या था, हमने सुबह ही देखा तो सुबह खाली फौज थी इधर, तो रात को हम बाहर ही नहीं निकले। पहले इधर नहीं हुआ था ऐसे कभी, आज पहली बार हुआ। मिलिटेंसी होती थी पहले भी, लेकिन ये हाल नहीं हुआ था पहले कभी। क्या लगता है आपको यहाँ पे अभी जो हालात? अब हालात डर लगता है, अब अगर ऐसे ऐसे हालात बने रहे तो डर तो लगता ही। घर तो बहुत ज्यादा है इधर सर, 200-400 के करीब घर हैं, बहुत एरिया है यहाँ पे। उस वक्त तो लगभग 10-12 साल हो गए थे, बड़े आराम से हम अपनी जिंदगी निकाल रहे थे, लेकिन अब तो बहुत गलत लग रहा है क्योंकि फिर से ये माहौल खराब हो गया है। तो डर लगता है। तो पहले इन दिनों भी आपने कोई सुना था कि यहाँ पे कोई लोग ऐसे घूम रहे हैं? ना, पहले हमने नहीं सुना कुछ। वही डोडा की डीआईजी एनकाउंटर वाली जगह पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने एनकाउंटर को लेकर सारी जानकारी ली और मीडिया से बात करते हुए इस बारे में बताया भी। सुनिए। इस जनरल एरिया में सर्च ऑपरेशन हमारा चल रहा था, सारी सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी भी हैं यहाँ पे डोडा में, तो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस का मिला के एक कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। आप सब लोगों ने देखा होगा कल भी जो हाइडिंग टेररिस्ट है उनके साथ हमारा कॉन्टेक्ट हुआ था और आज भी उनके साथ हमारा कॉन्टेक्ट हुआ है। सर्च ऑपरेशन प्रोग्रेस में होने की वजह से अभी मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूँ। ऑपरेशन हमारा प्रोग्रेस में है और जल्दी कामयाबी मिलेगी।